हमारा जैसे पिछले मैंने लेक्चर्स में बताया था आपको कि अलग अलग प्रकार के सिग्नल्स क्या होते हैं उनके डायग्राम्स भी मैंने आपको बताए थे है ना अब आपको अपना एक नया टॉपिक आता है कि अलग अलग टाइप के नोइसेस क्या होती है तो नोइसेस आपकी क्या रहती है कोई भी अनवांटेड सिग्नल है ना तो अनवांटेड सिग्नल आपका क्या क्या रहता है पहले इससे पहले आप पिछला लेक्चर समझिएगा पिछले लेक्चर में हमारा क्या था आ, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि भाई हमारे मॉड्यूलेशंस क्या होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं है ना you know, वो पूरा आप डिटेल में पढ़ना मैंने जो भी आपको मैं इसमें लिखित में जो भी भेजा हुआ है इसमें अब आप कहता है नोइस मतलब कि भाई जो भी साउंड साइज़ या शेप जो रहती है जो कि हमारे सिग्नल को बिगाड़ देती है हमारे सिग्नल में अनचाहा दूसरा सिग्नल आ जाना जैसे कि कभी कभी माइक में बोलते वक्त खड़खड़ की आवाज आना है ना या फिर हमारे पास सिग्नल या जो भी हम चीज़ें इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं वो ठीक से नहीं पहुंच पाना या उसमें कुछ बिगाड़ आ जाना है ना वो किसके कारण होता है नॉइस के कारण है ना तो ये जो रहता है हमारे डेली डे दे टू डे लाइफ का एक पार्ट है है ना तो हम इसको मेजर भी कर सकते हैं और ये कितने प्रकार की होती है और कि क्या होती है ये अलग, अलग अलग प्रकार की रहती है तो कंटीन्यूस नॉइस तो ये नॉइस क्या रहती है कंटीन्यूस फ्लो के रूप में आपकी पैदा होती है जैसे कि मशीन जो आपकी चलती है तो भाई हमारी मशीन जो खुद का काम तो कर ही रही है बाकी उसमें नोइस भी प्रोड्यूस होती है है ना जैसे मशीन का चलना तो मशीन की जो खुद के चलने की आवाज़ है वो भी एक प्रकार की नोइस है फिर यह कहते हैं आपकी कि इंटरमीटेंट ये जो रहती है ये घटती बढ़ती रहती है है ना अब जैसे वही मशीन जो चले जैसे ऊपर पड़े ना कंटिन्यूस नॉइज़ तो वो तो मशीन जैसे चलती रहेगी वैसे उसकी आवाज़ आती रहेगी और एक आपकी रहती है इंटरमीडियंट नोइस ये क्या रहती है कि भाई घटती बढ़ती रहती है ये नोइस तो ये किसके कारण पैदा होती है कि भाई जैसे कि एयरक्राफ्ट ओवरहेड या फैक्ट्री के जो इक्विपमेंट रहते हैं है ना या ट्रेन पासिंग बाय सम प्लेस भाई जैसे किसी जगह से ट्रेन का पास होना है ना मतलब ये कुछ दौर कुछ टाइम के लिए रहती है या बढ़ती घटती रहती है बढ़ती घटती रहती है फिर आप कहते हैं इम्पलसिव नोइस ये जो रहती है ये कंस्ट्रक्शन या डिमो जो डिमोलिशन फील्ड रहते हैं जहाँ पे निर्माण वगैरह चलते हैं वहाँ पे होती है तो ये किस इसका परिणाम के रूप में जो रहती है ये नॉइस जैसे कि एकदम अचानक से ब, ब्लास्ट हो जाना या अचानक से अजीब सी या खड़खड़ के आवाज आना है ना या हमारे पास से एकदम से कोई फास्ट चीज़ का निकलना या अचानक से नेचर के द्वारा कुछ आ जाना और फिर आते हैं आपके लो फ्रिक्वेंसी नोइस तो ये जो रहती है डेली साउंड स्केप में आपकी प्राप्त होती है ये नॉइज़ जो रहती है आपकी पावर प्लांट्स के द्वारा आ सकती है या जो बड़े बड़े लार्ज डीजल इंजिन रहते हैं तो ये जो रहता है आपके इनके आवाज़ जो रहती है लो फ्रिक्वेंसी में आती है तो आपका ये मेन रहता है ना और सिग्नल आपके कहते हुए वो है इन्फॉर्मेशन या मैसेज सिग्नल जिसमें आप जानकारी भेजते हुए, हुए या जिसमें हमारी ओरिजिनल जानकारी छुपी हुई या मैसेज हमारा रहता है वो आपका सिग्नल कहलाता है तो सिग्नल जो हमारे रहते हैं अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाइड है या वर्गीकृत है पहला आपका कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट डिस्क्रीट टाइम है ना डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक इवन और रोड सिग्नल पीरियोडिक अपीरियोडिक सिग्नल एनर्जी पावर सिग्नल रियल और इमेजनरी सिग्नल तो कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होते हैं कंटिन्यूस टाइम यानी लगातार समय के साथ जो चलते हैं डिस्क्रीट टाइम यानी जो समय के अनुसार नहीं चलते हैं तो कंटिन्यूस सिग्नल हमारा जो रहता है वो हर इंस्टेंट ऑफ टाइम यानी कि हर समय के क्षण के साथ जो हमारा सिग्नल रहता है तो है ना और डिस्क्रिट क्या रहता है कि ये समय के अनुसार कंटिन्यूस नहीं रहते हैं है ना तो डिस्क्रिट सिग्नल अब आपका आता है डिटर्मिनेस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल तो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल क्या रहते हैं जिसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं हो है ना विद रिस्पेक्ट टू तो टाइम या सिग्नल Uh, जो मैथमेटिकली फॉर्मूला से हम परिभाषित कर सकते हैं वो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल जो रहता है वो है ना और नॉन डिटर्मिनेस्टिक सिग्नल क्या रहता है इसमें अनसर्टेनिटी रहती है इसके मान में है ना टाइम के क्षण के अनुसार तो नॉन डिटर्मिनेस्टिक सिग्नल रेंडम इन नेचर रहते हैं यानी कि रेंडम मतलब कि चेंज होने वाला या अचानक वाला तो इनको हम रेंडम सिग्नल भी कहते हैं है ना भाई ये टाइम के पास से पाबंदी नहीं रहती इनकी और इनको हम मैथमेटिकल इक्वेशन में भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते है ना ये प्रोबेबलिस्टिक टर्म्स में रहते हैं यानी कि भाई संभावित टाइप के रहते हैं ये तो नॉन डिटर्मिस्टिक सिग्नल रहते हैं इवन और ओड सिग्नल के रहते हैं कि इवन सिग्नल जो वो कब कहलाएगा जब वो जो ये फार्मूला लिखा है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे एक्स टी इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में माइनस टी एक और एक एग्जांपल टी टू टी फोर है ना डॉट डॉट डोट कोस टी एट्सट्रा ये इसकी इक्वेशन uh, रहती है समीकरण रहता है तो अगर हम मान लें एक्स टी इज इक्वल टू टी टू तो एक्स माइनस टी इज इक्वल टू माइनस टी टू बराबर टी टू है ना माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बराबर एक्स टी तो टी टू जो है आपका इवन फंक्शन है तो रेक्टेंगल फंक्शन अगर आपका हम माने एग्जांपल टू में एक्स माइनस टी सो ये जो आपका रहता है इवन फंक्शन रहता है यानी कि विपरीत है ना एक्स टीजिकल टू तो एक्स ब्रैकेट में माइनस टी तो ओड सिग्नल कब कहलाएगा वो जब वो कंडीशन को सेटिस्फाई करे एक्स टी बराबर माइनस एक्स ब्रैकेट में माइनस टी तो सिर्फ का है यहाँ पर सिर्फ माइनस का डिफरेंस है और जैसे कि आप जानते हो ओड संख्या कह रही थी वन थ्री फाइव सेवन ये यहाँ पे भी क्या हो जाएगा टी टी थ्री डॉट डॉट एंड साइन टी है ना जहाँ पे टी हमारा समय है और एक बराबर मानते हम साइन टी तो एक्स माइनस टी बराबर जब हम मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन और ब्रेकेट में माइनस मैं टी फार्मूले के अनुसार और माइनस साइन टी बराबर माइनस एक्स टी तो साइन टी हमारा क्या है ओड फंक्शन है तो कोई भी एनी फंक्शन या कोई भी फंक्शन एफ एफ टी को हम कैसे एक्सप्रेस एक्सप्रेस कर सकते हैं इवन फंक्शन के रूप में एफ ई ब्रैकेट में टी और ओड फंक्शन को एफ ओ टी है ना और टोटल हमारा जो फंक्शन या सिग्नल कहलाएगा एफ टी बराबर एफ ई टी प्लस एफ टी यानी कि इवन फंक्शन इवन सिग्नल प्लस ओड सिग्नल जहाँ पे हमारा एफ ई टी बराबर क्या हो जाएगा वन बाई टू एफ टी प्लस एफ माइनस टी अब आपका आता है पीरियोडिक और अपीरियोडिक सिग्नल्स तो हमारा पीरियडिक यानी कि पीरियड मतलब क्या होता है काल है ना काल और तो सिग्नल हमारा जो रहता है पीरियोडिक कब किया जब वो इस ये कंडीशन सेटिस्फाई करे जो समीकरण लिखा है एक्स टी बराबर एक्स टी प्लस कैपिटल टी या एक्स एन इजिकल टू एक्स ब्रैकेट में छोटा एन प्लस बड़ा n यहाँ पे हमारा टी क्या है फंडामेंटल टाइम पीरियड यानी फंडामेंटल समय काल वन बाय टी बराबर आपका एफ होता है बराबर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होता है फ्रीक्वेंसी बराबर वन बाई टी होते या आवृत्ति बराबर वन बटे समय वन अपन समय है ना तो पीरियोडिक और अपीरियोडिक सिग्नल यानी कि जो हमारा अबो सिग्नल है ये रिपीट होता रहेगा एवरी टाइम इंटरवल टी ज़ीरो पे है ना तो इट इज़ पीरियडिक विथ पीरियड टी ज़ीरो अब आपका आता है और अपीरियोडिक सिग्नल जो कि रिपीट नहीं होता है समय के अनुसार अब एनर्जी और पावर सिग्नल क्या होते हैं तो सिग्नल हमारा एनर्जी सिग्नल कब रहेगा जब उसमें असीमित जब उसमें सीमित एनर्जी हो है ना फाइनाइट एनर्जी एनर्जी बराबर रहेगा हमारा समिशन इनफाइनाइट इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट है ना और माइनस इनफाइनाइट एक्स टू टी डी टी है ना आपका समाट लेना हो है ना तो पावर सिग्नल कब कहलाएगा जब इसमें फाइनाइट पावर हो सीमित पावर हो पी बराबर लिमिट टी इनफाइनाइट रहेगा आपका है ना और आपका जो रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस टी एक्स टू टी इंटू डी टी अब यहाँ पर हमें ये नोट करना है कि सिग्नल कैन नॉट बी बहुत एनर्जी एंड पावर साई यानी कि आपका जो सिग्नल हो एक साथ एनर्जी और पावर सिग्नल नहीं हो सकता तो या तो वो एनर्जी सिग्नल रहेगा या पावर सिग्नल रहेगा तो पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल इज इक्वल टू जीरो और एनर्जी ऑफ पावर सिग्नल इज इक्वल टू इनफाइनाइट इन्फाइनिट यानी असीमित तो वो आपका आता है रियल एंड इमेजनरी सिग्नल है ना रियल मतलब कि आपका सत्य और इमेजनरी यानी कि काल्पनिक सिग्नल तो आपका रियल सिग्नल कब कहलाएगा जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे एक्स टी बराबर एक्स की पावर स्टार इंटू टी और जब वो ओड सिग्नल कब या आपका इमेजनरी सिग्नल कब कहलाएगा जब वो कंडीशन क्या सेटिस्फाई करे एक्स टी टू माइनस एक्स तो की एक पावर स्टार इंटू टी जैसे एग्जाम्पल एक्स टी बराबर थ्री देन एक्स के पावर स्टार टी बराबर हो जाएगा थ्री की पावर स्टार जहाँ पे थ्री हीयर एक्स टी टीज रियल सिग्नल है ना आपका आ, अगर एक्स टी बराबर थ्री जे तो एक्स की पावर स्टार्ट इज इक्वल टू थ्री जे तो की पावर स्टार बराबर माइनस थ्री जे बराबर माइनस एक्स टी तो अतः आपका जो एक्सटी है वो मोडिया इमेजनरी सिग्नल है यहाँ पे हमें नोट करना है कि जो रियल सिग्नल होते हैं इमेजनरी पार्ट उसका ज़ीरो रहता है और अगर इमेजनरी सिग्नल है तो उसका रियल पार्ट ज़ीरो रहता है यहाँ पे कोई डायग्राम्स दिए थे भेजे थे मैंने आप लोगों को क्या पता आप लोगों ने देखे भी या नहीं ना ये ये सब आपके अलग अलग सिग्नल्स है ये, ये टाइम सिग्नल कंटिन्यूस टाइम ये आपका कंटिन्यूस टाइम टाइम है ना ये सब अलग अलग प्रकार के सिग्नल है हमारे जो मैंने ऊपर परिभाषाएं बताई अब आपको पता है लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम्स क्या होते हैं यानी रेखीय और अरेखिय प्रणाली क्या होती है तो आपका जो सिस्टम है वो लीनियर कब कहलाएगा जब वो सुपर पोजिशन या होमोजेनेट सिद्धांत को सेटिसफाई करता हो ना संतुष्ट करता हो अगर हम कंसिडर करें दो सिस्टम जिनके इनपुट है एक्स वन टी और एक्स टू टी तो आउटपुट उनका आएगा बाई वन टी और बाई टू टी तो अकॉर्डिंग टू तो अपन सुपर पोजिशन और होमोजेनट प्रिंसिपल टी ए वन एक्स वन टी प्लस ए टू एक्स टू इक्वल टू अपने ए वन केपिटल टी ब्रैकेट में एक्स वन टी प्लस ए टू कैपिटल टी ब्रैकेट में एक्स टू टी है ना और देयर फॉर टी इजिकल टू ए वन एक्स वन टी प्लस ए टू एक्स टू टी बराबर ए वन वाई वन टी प्लस ए टू वाई टू टी ये सिंपल समीकरण है आपको लिख के याद करना पड़ेंगे है ना ये तो अब ऊपर के एक्सप्रेशन के अनुसार हमें क्लियर रिस्पॉन्स मिल रहा है कि ओवरऑल सिस्टम जो हमारा है है ना इज इक्वल टू रिस्पॉन्स ऑफ इंडिविजुअल सिस्टम तो एग्जाम्पल टी बराबर एक्स टू टी जो है हमारा उसका सोल्यूशन वाई वन टी इज इक्वल टू टी एक्स वन टी इज इक्वल टू एक्स वन टू टी है नाई टू टी बराबर आपका हो जाएगा टी एक्स टू टी एक्स टू टू टी तो कैपिटल टी और तो ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ए वन एक्स वन टी प्लस ए टू एक्स टू टी इज इक्वल टू ए वन एक्स वन टी प्लस ए टू एक्स टू टी यानी कि बराबर हो जाएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू ए वन वाई वन टी प्लस ए टू वाई टू टी है तो सिस्टम इज सेट टू बी नॉन लीनियर यानी कि जो ऊपर का आपका ये इक्वेशन बताई है कैपिटल टी के साथ वाली अगर ये इक्वेशन बराबर नहीं है तो आपका सिस्टम नॉन लीनियर है यानी कि और सिस्टम है अब आपको आता है टाइम वेरियंट और टाइम इनवेरियंट सिस्टम्स अगर आपका सिस्टम टाइम वेरिएंट कब कहलाएगा जब उसका इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी विथ टाइम यानी कि समय के, के अनुसार परिवर्तित हो या असामान्य हो असमान हो वेरी का मतलब होता है चेंज होना या परिवर्तित होना असमान होना तो सिस्टम आपका टाइम वेरिएंट आपका आपका इनवेरिएंट कहलाएगा तो है ना और अगर आपका सिस्टम समय के अनुसार वेरी नहीं हो रहा है तो वो आपका टाइम इन वेरियंट सिस्टम हो जाएगा यानी कि उस समय के वेरियंट समय के अनुसार उसमें बदलाव नहीं होता हो तो कंडीशन क्या है टाइम इन वेरियंट सिस्टम के लिए वाई ब्रैकेट में एन कोमाटी इजिकल टू वाई एन माइनस टी और टाइम वेरियंट सिस्टम के लिए कंडीशन क्या है फॉर्मूला वाई एन टी इज इज़ नॉट इक्वल टू वाई एन माइनस टी है ना भाई सही बात है इसका मतलब होता है आपका जो इनपुट बराबर आउटपुट है वो बराबर नहीं है मतलब कि समय के अनुसार वेरी हो रहे हैं ये चेंज हो रहा है परिवर्तित हो रहा है तो जहाँ पे हमारा वाई एन माइन एन टी बराबर क्या होता है टी एक्स एन माइनस टी बराबर इनपुट चेंज और जहाँ पे हमारा y n माइनस टी क्या है आउटपुट चेंज वो एग्जांपल y is equal to x bracket n इज इकल टू एक्स ब्रैकेट में माइनस एन है ना है? और आपका वाई t टिकल टू टी एन माइनस एन माइनस टी और तीसरा आपका है आपका वाई एन माइनस टी एक्स ब्रैकेट में माइनस एन माइनस टी बराबर एक्स माइनस एन प्लस टी तो ये आपके अलग अलग रहता है तो देआर फॉर हमारा वाई एन इज इज नॉट इक्वल टू वाई एन माइनस टेज वो सिस्टम इज़ टाइम वेरिएंट अगर वो है ना अब लीनियर टाइम वेरिएंट और लीनियर टाइम इन वेरियंट क्या होता है तो सिस्टम आपका अगर लीनियर और टाइम वेरिएंट है तो वो सिस्टम का लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम कहलाता है ना अगर आपका सिस्टम लीनियर भी है और टाइम वेरियंट भी है तो लीनियर टाइम वेरियंट सिस्टम है और अगर सिस्टम आपका लीनियर है वो टाइम इन वेरियंट है तो आपका लीनियर टाइम इन वेरियंट सिस्टम के लिए यानी रेखी और समय के अनुसार वेरी होने वो नहीं होता तो आपका लीनियर टाइम इनवेरियंट सिस्टम अब आपका था है स्टेटिक एंड डायनेमिक सिस्टम तो स्टेटिक मतलब होता है आपका स्थिर और डायनेमिक मतलब परिवर्तित होने वाला तो इस्ट स्टेटिक सिस्टम जो आपका उसमें मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उसमें मान एक समान रहता है तो हमें डाटा सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती है और अगर आपका सिस्टम बार बार बदलता रहता है है ना जैसे कि आप भाई ऐसी जानकारी भेज रहे हो जो कि एक जैसे नहीं है अलग अलग रूप में है और उसमें बदलाव आ रहे हैं जैसे कि आपके भाई आपने कोई सी भी आपने अगर इमेज भेजी है तो एक ही रहेगी बाकी अगर आप वीडियो भेज रहे हो तो उसमें अलग अलग फ़ोटोज़ अलग अलग साउंड आएंगे अलग अलग टाइम के अनुसार अलग, अलग अलग उसमें सीन्स आएंगे तो वो आपका परिवर्तित हो रहा है उसमें यानी कि वो डायनेमिक रहेगा तो इसमें आपको मेमोरी की आवश्यकता पड़ेगी इसका एग्जांपल आपको समीकरण है वाई टी इज इक्वल टू टू एक्स टी है ना भाई इसमें प्रेजेंट वैल्यू यानी वर्तमान में टी बराबर ज़ीरो होती है इसकी वैल्यू और सिस्टम आउटपुट वाई ज़ीरो बराबर होता है टू एक्स ब्रेकेट में ज़ीरो तो आपका जो आउटपुट आएगा वो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करेगा तो इसलिए आपका सिस्टम जो रहता है मेमोरी ले से स्ट्रेटिक रहता है आपका आता है एग्जाम्पल टू यानी कि डायनेमिक का समीकरण वाई टी बराबर टू एक्स टी प्लस थ्री एक्स टी माइनस थ्री तो प्रेजेंट वैल्यू टी बराबर जीरो के लिए आपका सिस्टम आउटपुट क्या हो जाएगा वाई ज़ीरो बराबर टू एक्स जीरो प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री भाई एक्स की जगह टी की जगह ज़ीरो पुट करा हमने इसमें तो एक्स माइनस थ्री जो हमारे पास्ट वैल्यू यानी कि पिछली वैल्यू जो वर्तमान में इनपुट है तो सिस्टम इसलिए हमें इसमें मेमोरी चाहिए क्योंकि इसमें हमें पिछला इनपुट सेव करते जाना है ताकि हमें अगला आउटपुट मिलता जाए तो आपका जो रहेगा इसका प्रेजेंट इनपुट इनपुट से ही आपका सॉरी आपके हाँ, आपका आउटपुट प्राप्त होता है आपको तो सिस्टम आपका डायनेमिक सिस्टम कहलाता है आपका आता कैजुअल और नॉन कैजुअल सिस्टम केजुअल सिस्टम का जो रहता है कौन सा रहता है अगर इसका आउटपुट डिपेंड्स अपन प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट यानी कि इसका जो आउट ऐसा सिस्टम जिसका जो आउटपुट है वो आपका प्रेजेंट इनपुट और पास्ट इनपुट पे डिपेंड करता है वो फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड नहीं होता है और नॉन केजुअल सिस्टम जिसका आउटपुट फ्यूचर इनपुट पे भी डिपेंड करता हो एग्जाम्पल वाई एन इज इक्ल टू टू एक्स टी प्लस थ्री एक्स टी माइनस थ्री और प्रेजेंट वैल्यू पर टी बराबर वन सिस्टम आउटपुट क्या हो जाएगा इसके लिए वाई वन इज इक्वल टू टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स माइनस टू यहाँ पे हमने टी की जगह पर मान वन पुट करा वन so, so, आपका फ्यूचर वैल्यू तो सिस्टम आउटपुट ओनली डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट तो आपका सिस्टम कैजूअल है न और अगर ऐसा सिस्टम है ना इसका एग्जाम्पल वाई एन तो इज इक्वल टू टू एक्स टी प्लस एक्स टी प्लस थ्री है आपका अलग अलग मान है इसमें और तो प्रेजेंट वैल्यू टी बराबर वन के लिए सिस्टम आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा वाई वन इज वाई एन की जगह अगर वन और टी की जगह तो वाई वन बराबर टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स माइनस टू तो प्लस सिक्स इंटू फोर यहाँ पे टी की जगह हमने वन पुट करा तो यहाँ पे हमें ये प्राप्त पता चल रहा है कि सिस्टम आउटपुट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर इनपुट आल्सो तो सिस्टम आपका नॉन कैजुअल सिस्टम कहलाता है